मेरे परिवारजनों, अटल जी ने छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं को समझते हुए इस प्रदेश का निर्माण किया था। ये भाजपा है जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट हमारे बिलासपुर में है। ये काम भाजपा ने किया है। यहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। ये राजस्व की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी की सरकार के दौरान हुई थी। यानी छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, अब मोदी का संकल्प है। छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। और ये बात मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं, यहां के उपमुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी। और उपमुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया, उनको फांसी पर लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उपमुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हरेक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान बच गया। और भाइयों बहनों, भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हम कभी ये नहीं कहते हम उपकार करते हैं, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट,
हमने मंजूर किए पैसे भेजे, कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में रोक टोक करने वाली कांग्रेस सरकार अगर यहां दोबारा आई तो छत्तीसगढ़ का भला होगा? जरा जोर से बताइए, छत्तीसगढ़ का भला होगा, आपका भला होगा, यहां के युवकों का भला होगा, यहां की माताओं बहनों का भला होगा?